गुटखा खाने की वजह से जो है कि उनका 25,000 रुपए का चालान कटा है। पान बाहर, पान मसाला, गुटखा खाने पे होगा 25,000 का जुर्माना। अगर ड्राइवर हो, ऑल इंडिया चलते हो, नेशनल गाड़ी चलाते हो, तो आपको होना पड़ेगा सावधान, या तो आपको छोड़ना पड़ेगा गुटखा या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा ड्राइविंग। जी हाँ, ये जो है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये जो है कि भारत में कुछ ऐसा राज है जहाँ पे गुटखा बैन है, और वहाँ पे अगर गलती से भी आपको गुटखा मिल जाता है तो आपको होगा 25,000 का चालान। इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल्स में दूंगा, आपको प्रूफ भी दूंगा, जो है कि हमारा एक साथी भाई है जो कि 25,000 का चालान अभी इसी महीने 20 तारीख को जो है कि दिए हुए हैं, और यहाँ पे मैं उनका चालान भी मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, उसमें नंबर भी है, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये खबर है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक ट्रक ड्राइवर जो है कि तमिलनाडु गए थे, वहाँ पे जो है कि गुटखा, पान बाहर, पान मसाला, सुपारी वगैरह जो है कि पूरा तरह से बैंड है, और उसके बावजूद जो कि ड्राइवर को पता नहीं था, या फिर पता भी हो तो वो छिपा के या फिर कैसे भी करके गुटखा जो है कि उनके गाड़ी में जो है कि मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ, वही हुआ जो इस बात का डर था, जो है कि 25,000 रुपये का चालान हुआ। चालान किया कौन, तो चालान हुआ है तमिलनाडु का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों ने 25,000 रुपये का चालान किए, सिर्फ और सिर्फ पान बाहर गुटखा का पुड़िया पर। तो इसीलिए ये वीडियो जो है कि आप सभी ड्राइवर भाइयों तक शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि तमिलनाडु में गुटखा जो है कि बंद है, बहुत स्ट्रिक्ट जो है कि इस पे जो है कि चेकिंग हो रहा है। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपका बक्सा, जो ये सब बक्सा है ना, बक्सा उक्सा, पूरा पेटी जो है कि पूरा एक एक बक्सा चेक हो रहा है। गुटखा का पुड़िया मिल जाने पर भी 25,000 का जुर्माना है, क्योंकि वहाँ का ये मानना है कि जो भी गुटखा वहाँ पे ब्लैक में मिलता है, जो है कि ट्रक ड्राइवर ही कहीं ना कहीं सप्लाई करते हैं, या फिर ट्रक ड्राइवर ही ला करके चाय दुकान में सप्लाई करते हैं, ऐसा उनका कहना भी है। इसी शक के आधार पे ट्रक की जो है कि केबिन, पेटी, बक्सा, सीट, हर चीज़ चेक हो रहा है। आप जो है कि गुटखा खाना तो बहुत दूर के बाद एक पुड़िया तक नहीं ले जा सकते। अगर एक पुड़िया गलती से मिल भी गया तो 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो है कि ये चालान है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, ये चालान है 20 सितंबर का, आप देख सकते हैं, इसमें जो है कि 25,000 रुपये का चालान हुआ है फूड सेफ्टी की तरफ से। तो आप सभी सावधान हो जाइए, अगर तमिलनाडु का टिप मार रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से कहीं के भी जा रहे हैं आप, और तमिलनाडु अगर जाना है या फिर जा रहे हैं, तो आप हो जाइए सावधान, गुटखा बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। अगर आपकी गाड़ी में गुटखा का पुड़िया फट्टा भी पड़ा है तो उसको साफ सफाई करके जो है कि जाना है, या तो गुटखा खाते हैं तो आप तमिलनाडु नहीं जाना है आपको, या फिर आप जा रहे हैं तो गुटखा नहीं खाना है आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी ड्राइवर तक, गाड़ी मालिक तक, ओनर तक, ट्रांसपोर्टर तक भी ये वीडियो जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि पहुंचे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ड्राइवर को इसका जानकारी जो है कि हो। अगर आप वीडियो के माध्यम से शेयर करके बताना चाहेंगे तो आप वीडियो को भी शेयर करके अपना साथी भाई ड्राइवर को बताएं, नहीं तो अगर आपके आसपास में कोई भी ड्राइवर है तो उनसे भी कॉन्टेक्ट करके आप बताएं कि तमिलनाडु का ट्रिप अगर मार रहे हैं तो गुटखा लेके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा, तो मैंने एक वीडियो जो है कि इस गुटखा को लेकर मैं बना दिया हूँ। बाकी आप वीडियो को रोक करके जो स्क्रीन ये पोस्टर जो है आप देख सकते हैं, चालान कितना लगा है, कब लगा है, किस नाम से है, और उसमें मोबाइल नंबर भी है, आप जो है कि बात कर सकते हैं जिनका चालान लगा है उनका।